आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच चल रही टी20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में तो काफ़ी टेंस माहौल था, लेकिन सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में केविन ओब्रायन की बदौलत ऐसा ना हो सका। दरअसल हुआ यूं कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला लिया, लेकिन जिम्बाब्वे का बैटिंग टॉप ऑर्डर कुछ कमाल दिखा ना पाया। इसके बाद शुम्भा और बर्ल की नाबाद 83 रनों की साझेदारी ने जिम्बाब्वे का स्कोर 152 पर 5 विकेट पहुंच सका। जिम्बाब्वे का बैटिंग स्कोर कार्ड कुछ इस तरह है। मदावीरे ने 21 रन बनाए जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए। टी मरुमनी ने 15 गेंदों में 11 रन बनाए। चका भवे ने 10 रन, वहीं डीन मायर्स ने सिर्फ 1 रन बनाया। क्रेग इरवाइन ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए। इसके बाद इस पारी की सबसे बड़ी साझेदारी देखने को मिली जो मिल्टन सुम्बा और रायन बल के बीच देखने को मिली। सुम्बा ने 27 गेंदों में 46 रन बनाए जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 4 चौके लगाए। वहीं बर्ल ने 33 गेंदों में 37 रन बनाए जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके लगाए। आयरलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे शेन गटकेट, जिन्होंने 4 ओवरों में 20 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। आयरलैंड को अपनी पिछली हार का बदला लेना था और फिर आयरलैंड के ओपनर्स ने इसका जिम्मा उठाया। हालांकि स्टर्लिंग 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन केविन ओब्रायन ने आयरलैंड की जीत को पा लिया। आयरलैंड का बैटिंग स्कोर कार्ड कुछ इस तरह है। आयरलैंड के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने 37 रन बनाए, केविन ओब्रायन ने 60 रन, एंड्रू बाल्ब्रिन ने 5 रन और जॉर्ज डॉकरेल ने 33 रन। जिम्बाब्वे की बॉलिंग इस बार फीकी नजर आई और सिर्फ चतरा और बर्ल को ही विकेट प्राप्त हो सके। दोनों ने मिलकर 3 विकेट चटकाए। अपनी दमदार पारी के लिए केविन ओब्रायन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की हर जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।